हिमाचल कंडक्टर के लिए आप सभी ने पेपर दे दिया होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में दो चीजें पुटअप हो रही होंगी कि पेपर का रिजल्ट कब आएगा और पेपर की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने 10 जिलों के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है, मतलब 10 जिलों के अकॉर्डिंग ये सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर किस टाइप के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पहले कैटेगरी वो स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने मार्क्स जो हैं वो हाई बताए हैं, पहली कैटेगरी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, ठीक है, और उन्होंने अपने मार्क्स बहुत कम बताए हैं। ठीक है, मतलब पेपर अच्छा होने के बावजूद भी मार्क्स जो वो कम बताए हैं। और थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो एक एवरेज के तौर पर बताए हैं। ठीक है, मतलब पेपर उनका 80-90 प्लस गया होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जो मार्क्स हैं वो कम बताए हैं। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बताता हूँ कि जब ये कट ऑफ सर्वेस किए जाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थिंकिंग के हमें स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अपने सही से बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है लेकिन वो मतलब आप अपने मार्क्स जो वो 80-90-95, ठीक है, इस तरह से बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ जिन्होंने अपने मार्क्स कम या ज़्यादा बताए हैं या फिर एक एवरेज के तौर पर बताए हैं। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो सर्वे एनालाइज किया है, ठीक है, इसमें इतिहास में पहली बार, ठीक है, कंडक्टर बेस का जो पेपर था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले होता क्या था कि पहले इजी लेवल रहता था, ठीक है, मॉडरेट लेवल रहता था, मतलब मध्य टाइप का, ठीक है, और उसके बाद रहता था आपका डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब तीनों परसेंटेज में हमें ये लेवल देखने को मिलता था कंडक्टर का। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो इजी लेवल था, इजी को इन्होंने क्या किया था कि उसको मॉडिफिकेशंस की गई थी क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिली है जो इजी बेस के क्वेश्चंस थे लेकिन मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और जो मॉडिफिकेशंस वाले क्वेश्चंस थे वो आपके डिफिकल्ट लेवल में जा चुके थे और डिफिकल्ट लेवल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंडक्टर का बेस क्वेश्चन से बाहर था। ठीक है, तो हमें ये जो पेपर एनालाइज किया है वो इन तीनों कैटेगरीज में हमें क्वेश्चंस पेपर को जब हमने एनालाइज किया तो ये सारी चीजें हमें वहां पर इंक्लूड मिली है। ठीक है, मतलब पहले इजी होता था, मॉडरेट होता था, डिफिकल्ट होता था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते थे लेकिन अब उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, 50 से 55। ठीक है, अब देखिए इसमें उन सभी हजारों स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है जिन्होंने अपने मार्क्स चाहे बेशक हाई बताए, किसी ने कम बताए, किसी ने बीच के बताए, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो हमें एक डेटा मिला है, ठीक है, जो हमारी टीम ने एनालाइज किया है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ 50 से 55 के बीच जा सकती है। ठीक है, और उसी तरह से SC ST, ठीक है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, 1-2 मार्क्स का ही फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है, SC ST के लिए 45 से 50 जा सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं। ठीक है, मतलब और ज़्यादा जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े, ठीक है, अलग से बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो एक और एनालाइज हमने किया है, ठीक है, कि जनरल की जो है वो 53 से 56 के बीच में जा सकती है। ठीक है, एक हमने आपको बताई 50 से 55, ठीक है, जनरल की, ठीक है, एक आपकी है 53 से 56 के बीच में। ठीक है, और SC ST की बात करेंगे तो हमने पहले आपको बताई 45 से 50, ठीक है, लेकिन जो बाद में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें कम से कम 47 से 50। ठीक है, अब अगर आप इस रेशियो में हैं, वेल डन, ठीक है, वेल डन, पेपर आपका अच्छा हुआ है इसका मतलब। ठीक है, SC ST की जो फाइनल कट ऑफ अगर मैं कहूँ, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है, ठीक है, SC ST की 47 से 52, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। ठीक है, और जनरल की कितनी जा सकती है, 53 से 56। अब कमेंट्स में ये मत कहना कि सर OBC की कितनी जाएगी, पूरा ST की कितनी जाएगी, ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल की 53 से 56, 47 से 52 के बीच में आपका SC ST हो सकता है। ठीक है, और 53 से 56 में ही आपका OBC मानकर चलिए आप। ठीक है, चाहे आपका जनरल है, OBC है, ठीक है, 53 से 56
और 47 से 42 आपका एससी एसटी रहने वाला है। ठीक है, अब मुझे एक कमेंट चीज में करके बताइए कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आपको क्या लगता है, और अपने मार्क्स बिल्कुल सही से बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने सही मार्क्स बताएंगे, सही क्वेश्चंस कितने ठीक हुए, अगर बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें रखेंगे तो ईजी रहता है इसमें कोई। ठीक है, इसमें तो है नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, आपका ये होगा वो होगा। ठीक है, आप अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है। ठीक है, इसमें आप अपनी राय रखिए। ठीक है, और मुझे बताइए कि ये कट ऑफ आपको कितनी सही लगती है। जय हिंद, जय हिमाचल।